Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namini Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Kirtananda Swamin Iti Namini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivastani Gaur Bhagat Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय गोपाल। आओ प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमियों, आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आज की सभा का पहला नगमा, जो भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों में न्योछावर किया है। आप अपने अपने स्थानों पर बैठ के भक्ति भाव से सुनिए। जय गोपाल। सुनो रे मन श्याम सुंदर गुण गाना, सुनो रे मन श्याम सुंदर गुण गाना। श्याम सकल संसार के स्वामी, श्याम सकल संसार के स्वामी, चरणन में झुक जाना। सुनो रे मन श्याम सुंदर गुण गाना, सुनो रे मन श्याम सुंदर गुण गाना। कहीं भी जाना संग संग जाना, कहीं भी जाना संग संग जाना, श्याम को हृदय बसाना। सुनो रे मन श्याम सुंदर गुण गाना, सुनो रे मन श्याम सुंदर गुण गाना। श्याम के नाम की पाती लिखना, श्याम के नाम की पाती लिखना, हृदय कमल ठिकाना। सुनो रे मन श्याम सुंदर गुण गाना, सुनो रे मन श्याम सुंदर गुण गाना। सखा सनेही श्याम सुंदर का, सखा सनेही श्याम सुंदर का, बनकर प्रीत बढ़ाना।
सखा सनेही श्याम सुंदर का, सखा सनेही श्याम सुंदर का, बनकर प्रीत बढ़ाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना। वृंदावन गोकुल गोवर्धन आ, वृंदावन गोकुल गोवर्धन, जाना दीप जलाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर, श्याम सकल संसार के स्वामी, श्याम सकल संसार के स्वामी, श्याम सकल संसार के स्वामी, चरणन में झुक जाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना। अंतर्यामी भाग्य विधाता, अंतर्यामी भाग्य विधाता, भोग लगाना रिझाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना। शीश झुका श्याम शीश पर मुकट मयूरा, श्याम शीश पर मुकट मयूरा, मुकट मयूरा, मुकट मयूरा, श्याम शीश पर मुकुट मयूरा, श्याम शीश पर मुकुट मयूरा, दर्शन करने जाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर गुण गाना। सांख्य फकीरा भज मंजीरा, सांख्य फकीरा भज मंजीरा, सांख्य फकीरा भज मंजीरा, श्याम सुंदर को बुलाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर को बुलाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर गुण गाना। श्याम सकल संसार के स्वामी, श्याम सकल संसार के स्वामी, श्याम सकल संसार के स्वामी, श्याम सकल, हाँ श्याम सकल संसार के स्वामी, 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 चरणन में झुक जाना ओ, चरणन में झुक जाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना। कैसे गाओगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर गुण गाना सुनो रे मन, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर गुण गाना, श्याम सुंदर गुण गाना। जय गोपाल। इसी नगमे के साथ, इसी भजन के साथ हमने आज का, आज की सभा का कार्यक्रम प्रारंभ किया और आप आनंद ले रहे हैं, बड़ा हर्ष है मुझे। दूसरा भजन है, दूसरा भजन है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका भी आनंद लीजिए। ओ मनमोहन, ओ मनमोहन, ओ मनमोहन, ओ मनमोहन, बरसन बीते दोहरि दर्शन, बरसन बीते दोहरि दर्शन, ओ मनमोहन, ओ मनमोहन, बरसन बीते दोहरि दर्शन, बरसन बीते दोहरि दर्शन, तपती है सांसें तपता है तन मन, तपती है सांसें तपता है तन मन, दिल में है दुखड़ा दुखती है अखियन, दिल में है दुखड़ा दुखती है अखियन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन। ये एक विशेष व्याधा है, जब दो प्रेमी बिछुड़ जाते हैं तब एक दूसरे के विरह में तड़पते हैं। गोपियों को अत्यंत प्रेम करके भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से जब चल गए तब किसी गोपी ने, जो भगवान को अत्यंत प्रेम करती थी, उन्होंने अपने हृदय के भाव प्रकट किए हैं वायुमंडल के माध्यम से, भगवान तक समाचार पहुंचाए हैं, वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, बरसन बीते तो हरि दर्शन, बरसन बीते दोहरी दर्शन, तपती है सांसें तपता है तन मन, तपती है सांसें तपता है तन मन, दिल में है दुखड़ा दुखती है अखियन, दिल में है दुखड़ा तप, दिल में है दुखड़ा दुखती है अखियन, ओ मन मोहन, 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 ओ मन मोहन। ओ गोपाला ओ मधुसूदन, ओ गोपाला ओ मधुसूदन, दूर करो दुख हम दुखी आजन, दूर करो दुख हम दुखी आजन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, दर्शन दो बरसन बीते दोहरी दर्शन, बरसन बीते दोहरी दर्शन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ललिता विशाखा राधे गोपी जन,
दर्शन को भटकत है हम वन वन लता विशाखा राधे गोपी जन दर्शन को भटकत है हम वन वन ओ मन मोहन ओ वन आ ओ मन मोहन ओ मन मोहन बसन बीते दो हरि दर्शन बसन बीते दो हरि दर्शन सुखत दिन दिन ब्रज की ग्वालिन सुखत दिन दिन ब्रज की ग्वालिन यादें कर कर पल पल छिन छिन यादें कर कर पल पल छिन छिन ओ मन मोहन ओ मन मोहन ओ मन मोहन बरसन बीते दो हरि दर्शन बरसन बीते दो हरि दर्शन सुना है गो सुना है गोकुल सुना वृंदावन सुना है गोकुल जहाँ गोकुल में भगवान श्री कृष्ण न हो और वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर ना हो तो गोपियों की दृष्टि में ये सब सुना है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से जो समाचार भेजा था उसमें तो यही कहा था कि मैं कभी ब्रज को छोड़ के जाऊँगा नहीं, मैं सदैव ब्रज में रहूँगा, जब भी तुम मेरी याद करोगी और जब भी सब जगह सर्वत्र मेरे दर्शन करोगी, फूलों में क्या, गायों में क्या, भौरों में क्या, तितलियों में क्या, ग्वालों में क्या, गोधन में क्या, एवरीवेयर यू कैन सी मी, आई एम ओमनीप्रेजेंट। ओ मन मोहन ओ मन मोहन लता बरसन बीते दो हरि दर्शन सुना है गोकुल सुना वृंदावन परमात्मा ना हो तो ये जगत ना हो। जब कभी कोई प्रेमी बिछड़ गया है तो बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है, तड़पते हैं, छटपटाते हैं मिलने को, दर्शन करने को, चाहे लाख भगवान श्री कृष्ण कहे कि मैं तभी जगह हूँ। गोपियाँ तो उद्धव को यही कहती थी कि अरे भैया उद्धव, हमें तो हमारे वो श्याम सुंदर चाहिए जो हमारे चुपके चुपके माखन को चुराते थे, हमारी गागर फोड़ डालते थे, रंग पिचकारियों से हमें रंग डालते थे और जो हमारे साथ साथ ठुमका लगाते थे, उन वो श्याम सुंदर हमें चाहिए। उद्धव तू अपने ज्ञान को लेकर के चला जा वापस और उनको बोल कि वो स्वयं आकर मिले। ओ मन मोहन ओ मन मोहन ओ मन मोहन ओ मन मोहन बरसन बीते दो हरि दर्शन बरसन बीते दो हरि दर्शन सुना है गोकुल सुना वृंदावन बिलखत है हम गर्जत है घन बिलखत है हम गर्जत है घन ओ मन मोहन ओ मन मोहन ओ मन मोहन ओ मन मोहन उजड़ा उजड़ा निधिवन मधुवन उजड़ा उजड़ा निधिवन मधुवन अश्वन में डूबा गोकुल गोधन अश्वन में डूबा गोकुल गोधन ओ मन मोहन ओ मन मोहन ओ मन मोहन ओ मन मोहन बरसन बीते दो हरि दर्शन बरसन बीते दो हरि दर्शन ओ मन मोहन ओ मन मोहन बैठा फकीरा हो करके हाँ बैठा फकीरा हो करके बेमन बैठा फकीरा हो कर बेमन बैठा फकीरा हो कर बेमन मुखना छिपाओ आओ मुखना छिपाओ आओ प्यासा ब्रजजन मुखना छिपाओ आओ प्यासा है ब्रजजन
बैठा फकीरा होकर बेमन, मुखना छिपाओ प्यारे प्यासा है ब्रजजन, मुखना छिपाओ प्यारे प्यासा है ब्रजजन। ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, बरसन बीते दो हरि दर्शन, बरसन बीते दो हरि दर्शन। ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन, ओ मन मोहन। जय गोपाल। इस प्रकार से आज की तारीख में ये दूसरा भजन भी आपको सुनाया। आज 26 मार्च 2014 है। आनंद लीजिए अगले भजन का। एक धुन है भगवान के श्री चरण कमलों में। श्री नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण भागवत गीता श्री नारायण 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 भागवत गीता श्री नारायण श्री रामायण श्री नारायण भागवत गीता श्री नारायण श्री रामायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। तू ही गोकुल तू ही मथुरा तू ही निधिवन तू वृंदावन श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। तू ही गोकुल तू ही मथुरा तू ही निधिवन तू वृंदावन श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। भागवत गीता श्री नारायण श्री रामायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। कवि नरसिंहा कवि श्री वामन कवि नरसिंहा श्री हाँ कवि नरसिंहा कवि श्री वामन कवि यदुनंदन कवि रघुनंदन श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। गोपीजन के धन श्री मनमोहन गोपीजन के धन श्री मनमोहन देवकी नंदन यशमती नंदन देवकी नंदन यशमती नंदन श्री नारायण श्री
श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण भगवत गीता श्री नारायण श्री रामायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण नाना भक्त पुजारी गौधन नाना भक्त पुजारी गौधन नाना रूप धरे नंद नंदन नाना रूप धरे नाना रूप धरे नंद नंदन श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण परम मनोहर श्री मुरलीधर परम मनोहर श्री मुरलीधर श्री राधेवर श्री मधुसूदन श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण परम प्रकाशी पूर्णमासी परम प्रकाशी पूर्णमासी मदन मुरारी नाचे छन छन श्री नारायण श्री नारायण परम प्रकाशी पूर्णमासी मदन मुरारी नाचे छन छन श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण मन भावन तन दुर्लभ दर्शन भगवान का तन यानी शरीर यानी श्री विग्रह इतना श्याम सुंदर है कि सभी के मन को मोह लेता है सभी को भा जाता है सभी के हृदय में प्रवेश कर जाता है। मन भावन तन दुर्लभ दर्शन मन भावन तन दुर्लभ दर्शन अद्वैतं मनादिं अचिन्त्यरूपस्वरूपम् अद्वैतं अचिन्त्यगुणस्वरूपम् नवयौवनम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च अद्वैतं अच्युतं अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दम् आदिपुरुषं समां भजामि मन भावन तन दुर्लभ दर्शन मन भावन तन दुर्लभ दर्शन सांख्य फकीरा चरणन अर्पण श्री नारायण
श्री नारायण। मेरे जैसे अधम को भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन जो उनके प्रिय भक्त हैं उनको बड़े सुलभ हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पुराण पुरुषम नव यौवनम वेदेषु दुर्लभम ऐ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजम तमाहम भजम। मन भावन तन दुर्लभ दर्शन सांख्य फकीरा चरण अर्पण श्री नारायण 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 श्री नारायण। भागवत गीता श्री नारायण श्री रामायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री नारायण 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 श्री नारायण। जय गोपाल। और इसके बाद आज की सभा का एक अंतिम भजन और आप सुनिए। लोग कहते हैं कि भगवान को ढूंढना है, भगवान कहाँ मिलेंगे, क्या महाराज आपको भगवान मिल गए? अरे भगवान गए कहाँ हैं, भगवान तो मिले हुए ही हैं, तभी तो हम जिंदा हैं, वरना कैसे उनके बिना कोई जिंदा रहेगा। लेकिन खैर ये भजन कुछ ऐसी बातों को बतला रहा है। मत खोजे मन मत खोजे मन, संतों ने भक्तों ने भगवान के प्रेमी जनों ने जहाँ जहाँ भी अपने शब्दों में भजनों में मन शब्द का इस्तेमाल किया है वहाँ मनुष्य जाति को ही संबोधित किया है, जगाया है। उदाहरण के लिए शंकराचार्य जी महाराज गा रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मन मूढ़ मते। अरे मूर्ख मन तो उस गोविंद का भजन कर, स्वयं भगवान के भगवान श्री कृष्ण के परम शुद्ध भगत रहे हैं, लेकिन संसार को अगर संबोधित करें तो लोग नाराज होते हैं, इसलिए उन्होंने मन अपने ही मन को, तो मन शब्द जहां पर संत इस्तेमाल करते हैं अक्सर इसका तात्पर्य तो यही संबोधित यही होता है कि संसार सुने, संसार को जगानी ही तो संत आते हैं, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। तरवर सरवर संत जन तरवर सरवर संत जन चारों धारे देह परमार्थ के कारण, दूसरों के उपकार के लिए संत होते हैं। सरोवर यानी तालाब होते हैं, तरवर यानी वृक्ष होते हैं, सरोवर तरवर संत जन
जन यानी महाजन जनक ऋषि जैसे तरवर सरवर संत घन, घन यानी बादल, बादल भी बनते हैं, शरीर धारण करते हैं, दृश्यमान होते हैं दूसरों के उपकार के लिए, सबके लिए बारिश करते हैं, तालाब भी सभी के लिए परोपकारी है, संत भी और तरु यानी वृक्ष भी। सरवर तरवर संत घन चारों धारे देर, ये परमार्थ के कारण ही। चौथा सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षण मेह परमार्थ के कारण चारों धारे देर। इसलिए संतों ने सदैव ही, जैसे एक ज्यूस कथा है बहुत सुंदर, ज्यूस कथा कहती है कि यहूदी कथा कि इस धरती पर 36 संत सदैव विद्यमान हैं, इसके कारण से पृथ्वी टिकी है। बहुत सार्थक है ये शब्द, क्योंकि एक भी संत जन या धार्मिक व्यक्ति जहाज के अंदर हो तो हजारों आदमियों की जान बच सकती है, बचा सकता है एक धार्म, और एक पापी बैठा हो तो सबको लेके डूब सकता है। ये भी है, पापी का वो महत्व है डूबोने का, और संत का महत्व है तराने का, वो संसार को तरा देता है। यहूदियों के किताबों में ये बात है कि मैंने सुना है ये बात किसी संत के मुख से कि 36 संत सदैव धरती पर विद्यमान रहते हैं, इसलिए पृथ्वी कायम है। कथा लंबी है लेकिन हम भजन गा रहे हैं इसलिए। मत खोजे मन मत खोजे मन कोई हरिद्वार जाता है, कोई बद्रीनारायण जाता है, कोई केदार धाम जाता है, कोई रामेश्वरम धाम जाता है, भगवान को खोज नहीं। अरे भगवान को कहां खोजोगे, तुम्हारी सामर्थ्यता क्या है जो भगवान को खोजोगे, और तुम्हारे खोजने से यदि भगवान मिल जाए वो शायद भगवान नहीं हो सकते, कोई और हो सकता है। भगवान तो अपनी अहद की कृपा से मिले ही हुए हैं सभी को, हमने ही उनको विसार दिया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। मत खोजे मन खोए कहाँ घनश्याम, मत खोजे मन खोए कहाँ घनश्याम, मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम। हरि हमारे हृदय विराजे, हरि हमारे हृदय विराजे, अष्ट प्रहर सुबह शाम। मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, खोए कहाँ है घनश्याम। गीत भजन गा झूम झूम जा, गीत भजन गा झूम झूम जा, पी हरि नाम के जाम। गीत भजन गा झूम झूम जा, पी हाँ गीत भजन गा झूम झूम जा, पी हरि नाम के जाम। मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम,
मत खोजे मन खोए कहाए घनश्याम, खोए कहाए घनश्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, खोए कहाँ है घनश्याम, खोए कहाँ है घनश्याम। सर्वभूतानाम्देशे अर्जुन रामयन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। मत खोजे मन खोए कहाँ घनश्याम, खोए कहाँ घनश्याम, खोए कहाँ घनश्याम। सतपथ पर रथ हाको मति मन। अभी हम मति को भी संबोधित कर दिया है बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि और मन मिलके ही गड़बड़ कर देते हैं। सतपथ पर रथ हाको मति मन, सतपथ चल भगवान मिले। सतपथ पर रथ हाको मति मन, सतपथ चल भगवान मिले। हंस मनोहर निर्मल जल में, नील झील में कमल खिले। हंस मनोहर निर्मल जल में, नील झील में कमल खिले। मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, खोए कहाँ है, खोए कहाँ है घनश्याम, खोए कहाँ है घनश्याम। ज्ञान लगा कर सुन मुरली धुन, जिन्होंने मानसिक जप किए उनको स्वतः ही महाभाव प्रकट हुए हैं। इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि वाचा जप से 1000 गुणा अधिक लाभ देने वाले मानसिक जप हैं। ध्यान से जीवन जीना, ध्यान पूर्वक चलना, खाना पीना उठना बैठना, प्रभु की सेवा करना, नाचना गाना। ध्यान लगाकर सुन मुरली धुन, तभी मुरली धुन सुनाई देने लगेगी आपके अंदर से ही। श्याम सुंदर सभी के हृदय में बैठकर स्पेशली उनके भक्तों के हृदय में बंसी बजाती हैं। ध्यान लगाकर सुन मुरली धुन,
अंदर जा जा कर मिल ले, ध्यान लगा कर सुन मुरली धुन। मने प्रसादे सौम्यत्वम मौनम आत्मनिग्रह, भाव संशुद्धि इति तपो मान समुच्चते। मौन का बड़ा महत्व है। मौनी के हृदय में जो भगवान का ही मनन करता है उसे मौनी कहते हैं। मौनी के हृदय में हरि प्रेम प्रकट हो जाता है। भक्त के हृदय में भक्त तो प्रारंभ ही हरि प्रेम से ही होता है। मानसिक जप करता है, वाचा जप करता है, उपांशु जप करता है तो उसको भगवान का प्रेम मिल जाता है। भगवान की श्रद्धा भक्ति उसके लिए अहत की अकारण कृपा बरसती है भगवान की। लेकिन ध्यान में भी प्रेम ही फलित होता है। ये शब्द देखने को अलग अलग लगते हैं, भक्ति ध्यान मौन, लेकिन इन तीनों से ही हरि प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान लगा कर सुन मुरली धुन, अंदर जा जा कर मिल ले, श्यामल तन मन मदन मुरारी, दर्शन आनंद पल छिन ले, दर्शन आनंद पल छिन ले, दर्शन आनंद हरदम ले, दर्शन आनंद हरदम ले। मत खोजे मन खोए कहाँ है घन श्याम, मत खोजे मन खोए कहाँ है घन श्याम, ध्यान लगा कर सुन मुरली धुन, अंदर जा जा कर मिल ले, श्यामल तन मन मदन मुरारी, दर्शन आनंद हर पल ले। मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, खोए कहाँ है घनश्याम, खोए कहाँ है घनश्याम। संतन की सत्संग मंडल में आते जाते रहते हैं। अरे मन और भी एक रहस्य की बात सुन, भगवान खोए कहाँ है, वो तो संतों का जहाँ सत्संग मंडल होता है वहां भी आते जाते रहते हैं, वहां चला जा, वहां दर्शन कर ले। संतन के सत्संग मंडल में आते जाते रहते हैं, रहते संग संग हरदम उनके, प्रेम के नद जहाँ बहते हैं, रहते संग संग हरदम उनके, प्रेम के नद जहाँ बहते हैं। मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम, खोए कहाँ है घनश्याम। सांख्य फकीर की बात मान ले, सुख पाएगा। सांख्य फकीर की बात मान ले, मिले तो ये भगवत धाम। सांख्य फकीर की बात मान ले, मिल जाए भगवत धाम। सांख्य फकीर की बात मान ले, मिल जाए भगवत धाम। नाम सिमर श्री राधे वर का, मत हो व्यर्थ बदनाम। मत खोजे मन
में घन श्याम मत खोजे मत खोजे मन खोए कहाँ है घन श्याम खोजे मन हरि हमारे हृदय विराजे हरि हमारे हृदय विराजे अष्ट प्रहर सुबह शाम मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम खोए कहाँ है घनश्याम मत खोजे मन खोए कहाँ है घनश्याम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मत खोजे मन कोए कहाँ है घनश्याम कोए कहाँ है घनश्याम कोए कहाँ है घनश्याम जय गोपाल। प्रिय भाइयों बहनों आपकी सेवा में चार भजन सुनाए हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे लगे होंगे और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सभी को उनकी भक्ति प्राप्त हो निर्मल भक्ति अन्न विलासा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तनम अनुकूलश्य कृष्णानुसेवनम भक्ति रूपतमा। रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ भक्ति निर्मल भक्ति वही है जो ज्ञान और कर्म आदि से अनावृत होती है ढकी हुई नहीं होती स्वच्छंद होती है। ज्ञान और कर्म समाहित नहीं है भक्ति में। प्रेम रस तो ऐसी धार है जिसमें दूसरी किसी धार का समावेश नहीं है। जैसे जल में तेल नहीं मिल सकता ठीक वैसे ही निर्मल भक्ति में ये ज्ञान कर्म नहीं होते केवल भक्ति केवल प्रेम ज्योत। एनीवे आप करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर पड़े निशान कठोर चट्टान के ऊपर भी घट्टान पड़ जाती है निशान पड़ जाते हैं रसरी के रस्सी के आते जाते कुएं में से जब हम पानी खींचते हैं जहाँ से खींचते हैं उस कठोर चट्टान के ऊपर एक सॉफ्ट मुलायम फूल सन की रस्सी से रेशम की रस्सी से निशान बन जाते बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। किस लिए? अभ्यास से। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हे अर्जुन अभ्यास करोगे तो ये जो चित्त है तुम्हारा वो स्थिर हो जाएगा कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। भगवान ने उपदेश किए अर्जुन को। अर्जुन ने संदेह किया कि ये चंचल है मन चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल बद्रडम
दुष्कर्म वायु की तरह इसको बांधना रोकना बड़ा दुष्कर है, ये तो बड़ा चंचल है कृष्ण। अभ्यास, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करो धीरे 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 धीरे, शनै 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 पिपील का संयोजन गता, धीरे धीरे एक छोटी सी चींटी भी संयोजन तक चली जाती, संयोजन यानी 1200 किलोमीटर। तो भगवान ने हमको तो मनुष्य का शरीर दिया है बड़े सूझबूझ के साथ ज्ञान पूर्ण, यदि हम थोड़ा अभ्यास करेंगे तो एक दिन भगवान की निर्मल भक्ति को प्राप्त करके और भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, परमानंद में प्रवेश कर जाएंगे। फिर कभी वहां जाकर तब धामम परमम मम, वहां से लौट कर नहीं आना पड़ता। ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो मेरा परम धाम है अर्जुन, वहां पर पहुंचने के बाद में ये आत्मा, ये जीवात्मा, ये बद्ध आत्मा मुक्त हो जाती है और वहां पहुंचने के बाद में वापिस पुनः इस संसार के बंधन में नहीं आती, वापिस कभी लौट के नहीं आती। तद्धाम ना तद भास्यते सूर्य ना शशांक ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम भगवान ने बहुत इशारा दिया है अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को, युग युगों को, पीढ़ियों को संबोधित किया है कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अबंडन ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियंस, जस्ट सरेंडर अन टू मी, आई विल बर्न आउट योर ऑल सिंफुल रिएक्शंस and give you liberation quick। भगवान की शरण में हमको जाना चाहिए। सर्वधर्मान प्रत्यक्ष, धर्म एक ही है सभी का, लेकिन अलग अलग पाथ, अलग अलग रास्ते, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग संप्रदाय खड़ी कर रखी है, ब्रांचेज फैला दिए चारों तरफ। इसलिए भगवान ने कहा कि अबंडन ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियंस, सो कॉल्ड रिलीजियंस तथा कथित, रिलीजन तो एक ही है, परम पिता परमेश्वर भी एक ही है, ईश्वर सर्व ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर एक है, धर्म एक है, अनेक नहीं। लोग भ्रमित होते हैं, भगवान कहते हैं कि अरे भूल जा सब, केवल मेरी बात मान ले, मैं फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, मैं जो कहता हूं वो कर, मत घुस इधर उधर। पंडित ये कहते हैं, वेद ये कहते हैं, पुराण ये कहते हैं, त्रैगुण विषयार वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। भगवान को जानने के लिए एक ही सुगम तरीका है, वो है उनके पवित्र नामों का जप करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कलो नास्ते गतिरंत एकमात्र हरि नाम। कलयुग में ही क्यों, सभी युगों में सदैव हरि का नाम ही तो हरि से हमको जोड़ता है। हरि का नाम जप करने से, कीर्तन करने से, उच्चारण करने से, आवाज लगाने से, नाम से पुकारने से हमें हरि की विशेष कृपा मिलती है, हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है, प्रेम प्रकट होता है, और एक दिन वो प्रेम ही हमको प्रभु तक पहुंचा सकता है। प्रेम ही माध्यम है प्रभु से मिलाने वाला, हरि से मिलाने वाला, और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए भगवान ने प्रेम मार्ग को, भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है,
श्रीमद् भागवत गीता में आप सभी जैसे जानते हैं। तो ठीक है, आज की सभा को यहीं विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ और अगली सभा में शीघ्र उपस्थित हूँ। जय गोपाल। हरे कृष्णा हरे।